नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो दोस्तों आपका डीमार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जो आपको प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे कि आपके पास स्लॉट अनअवेलेबिलिटी दिखाता है। तो दोस्तों ये देखेंगे हम, आपको बताएंगे कि कैसे आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं और इसका सलूशन पा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिनी ऑर्डर अपना बना रखा है और फिर उसको आगे जाने के लिए देखिए हम इसको जैसे आगे प्रोसीड करते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों। एक है आपके पास सेल्फ पिकअप। अब सेल्फ पिकअप क्या है? सेल्फ पिकअप है कि जो आप स्टोर से खुद जाके उठा सकते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। दूसरे आपका होम डिलीवरी। तो होम डिलीवरी में दोस्तों आपको होम डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं, जिसका मिनिमम चार्जेस है 49 रुपीज़, मिनिमम शॉपिंग ऑफ 1000, और जिसके मैक्सिमम चार्जेस हैं वो आपको 3% के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो जितना भी आपका शॉपिंग होगा आपको 3% उसका चार्ज होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे ही मैंने अपना एड्रेस भरा, उसके बाद अब मेरे पास कौन कौन से स्लॉट यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है स्लॉट और अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए, तो ये मैंने आज मैं कर रहा था तो आज ये दिखा रहा है कि 2 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में इनके पास कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये मॉर्निंग में सबसे पहले पिकअप करते हैं वो कहते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, तो रात में जो इनका लास्ट जो डिलीवरी देते हैं और रात को 10 बजे देते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए पूरे दिन में तो हर कोई इसमें ऑर्डर कर रहा होता है तो आपको ये हमेशा अनअवेलेबल ही दिखाएगा। तो दोस्तों जो आपको इसमें ऑर्डर करना है वो आपको रात को करना है 10 बजे के बाद। तो अगर आप 10 बजे के बाद ऑर्डर करते हैं तो आपके पास चांसेस, आई एम श्योर, आपके पास 100% चांसेस हैं कि आपको ये ऑर्डर आपका पिकअप में चला जाएगा। जी हाँ, तो आपको ऑर्डर दोस्तों हमेशा रात को ही करना है 10 बजे के बाद।